हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे या फिर CSC केंद्र से। सबसे पहले दोस्तों हम प्रोसेस फ्लो जानेंगे आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, फिर CSC वाले वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाना है, जहाँ पर आपको यूज़र ID पासवर्ड कैप्चा के थ्रू लॉगिन हो जाना है। वेबसाइट में लॉगिन हो जाने के बाद आपको जीवन प्रमाण ऑप्शन टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जीवन प्रमाण की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे दोस्तों आप नया जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रमाण पत्र ऑलरेडी बना हुआ है तो उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सारा प्रोसेस बायोमेट्रिक के थ्रू होने वाला है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के बिना जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, यानी कि दोस्तों फिंगरप्रिंट के थ्रू ही यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र बनेगा। दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं 10th वाले ऑप्शन में पेंशनर का जो है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप प्रमाण पत्र जनरेट हो जाता है, यहाँ से प्रमाण पत्र ID और कैप्चा एंटर करके OTP ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इजी तरीके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाता हूँ। CSE वाली वेबसाइट पे आने के बाद लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाना है। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद CSE का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का खुलकर आ जाता है। वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक सर्च का आइकॉन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, उस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जीवन प्रमाण टाइप करना है। दोस्तों, जीवन प्रमाण टाइप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको इजीली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ देरी का प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद में एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पे आपको एक से अधिक सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि CSE धानवी सर्विसेज, लैपटॉप प्रिंटर, इसके बाद जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन पे हमें यहाँ पे वर्क करना है। तो आपको इजीली जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी कंसेंट है उसे रीड करना है, इसके बाद में प्रोसीड करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, मंत्रा, मोर्फो, स्क्रूजन, चाहे जो भी डिवाइस है दोस्तों, आपको प्लग इन कर लेना है अपने सिस्टम से। इसके बाद में आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ सेकेंड्स बाद एक कम्प्लीट फॉर्म पेज खुलकर आएगा, जहाँ पर आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी, जो जिसकी ID से आप यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिवाइस टाइप सिलेक्ट करना है, आईरिस या फिर फिंगरप्रिंट। दोस्तों, यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट डिवाइस है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिवाइस का नाम, डिवाइस का जो मॉडल है वो, डिवाइस का सीरियल नंबर, इसके बाद डिवाइस का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, उसे कैप्चर करके रिकॉर्ड रख लेना है। CSE ID का डिटेल प्रोवाइड करना है, जैसे कि दोस्तों नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे CSE ID आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, पिन कोड, कंप्लीट एड्रेस और लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड भी यहाँ पे टाइप कर लेना है। दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपको गूगल से मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको फॉर्म को पूरा भर लेना है। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक हो जाता है तो फिर आपको इजीली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप किसी का जीवन प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसे व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो न्यू जीवन प्रमाण पत्र पे क्लिक करके नया अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू जीवन प्रमाण पत्र वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेंशनर की जो डिटेल्स फिलअप करनी है सब कुछ ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से कस्टमर का डिटेल्स फिलअप करना है। इसके बाद में आपको जीवन प्रमाण पत्र आसानी से PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।